हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, और फिंगरप्रिंट लॉक को कैसे सेट कर सकते हैं कैसे सेट कर सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक सेट, और कैसे लगा सकते हैं फ़ोन में, तो बताने वाले हैं फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। फिर आपको फिंगरप्रिंट सेटिंग्स पे जाना है, और फिंगरप्रिंट सेटिंग्स पे जाकर जो भी फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन में लगाना चाहते हो लगा सकते हैं, और फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक को सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए सिक्योरिटी पे जाना होगा। सिक्योरिटी पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर सकते हैं फ़ोन में। सिंपली आपके पास सेटिंग्स आ गया, इस पे जाकर जो भी आप फिंगरप्रिंट लॉक को सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4, तो पासवर्ड ओपन 1 2 3 4 पासवर्ड डालते कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जहाँ से फिंगरप्रिंट सेटिंग्स पे जाकर फिंगरप्रिंट लॉक अपने फ़ोन में लगा सकते हैं। कुछ इस तरीके से क्लिक करते हैं, देख सकते हैं कि आपके पास फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ गया। जब आप फिंगर पावर बटन पर टैप करते हैं इस तरीके से, देख सकते हैं टैप करते हैं, तो ये ब्लू कलर का आइकन है। आप इसका यूज इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, और कोई भी फिंगर इस पर ऐड करके फिंगरप्रिंट लॉक सेट कर सकते हैं, और सेट हो जाएगा जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, और फिंगर्स के जरिए इस तरीके से ऑन भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।